नेक्स्ट कॉलर हैं गुड़गांव से सुमन, स्वागत है सुमन जी। हाँ जी नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी मैडम, मैंने पहले भी बात की थी, दरअसल मुझे लगता है आपको समझा नहीं पाई अपनी बीमारी के बारे में। चलिए अब बताइए। हाँ जी, तो मैम मैंने ना पैरों के लिए पूछा था, पैरों में ब्लड क्लॉटिंग है और मतलब वेन्स में जैसे ब्लड जम जाता है ना, सारे पैर काले पड़े हुए हैं, अंदर नसों की प्रॉब्लम भी है, जैसे नसों में गुच्छा बना हुआ होता है। तो मैडम मैंने व्हाट्सएप पे फोटो भी भेजा था दो बार और पूछा था डॉक्टर से कि भाई शेयर कर ले, तो उन्होंने भी अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया। तो इसका कोई इलाज है मैडम, और अगर क्या ये दबे जा सकते हैं? और मैंने फिर लिखा भी था जो उन्होंने कई बार कॉल की थी जी, उन्होंने बताया था ये अश्वगंधा, उन्नाव, हल्दी, सुरंजान और कालागौन। तो मैडम क्या हम ये ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो ये जो सुरंजान है, नहीं सॉरी है, हमने ये मंगवा लिया है, तो उसमें बेर की तरह गुठली होती है, तो क्या गुठली निकालनी है या कैसे पीसना है? और मेरा एक दूसरा सवाल है, मेरी ननद है उनकी आयु है 55, तो मैडम उनको एक तो ज्यादा नींद नहीं आती बिल्कुल भी, पैरों में दर्द बहुत ज्यादा होता है पूरी रात, और उनको दर्द भी होता है पैरों में मतलब बहुत सालों से। तो ये दो सवाल है मेरे। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी भाभी हैं, बिल्कुल नंद का भी साथ में सवाल कर लिया। अच्छा देखिए, आप बहुत समझदार हैं और ये सब दवाइयाँ आपके पास आ गई हैं, पाउडर बनाइए और एक एक ग्राम तीनों टाइम लीजिए, पानी के साथ, बगैर चर्बी के दूध के साथ, या शुगर वगैरह नहीं तो जूस से भी कभी कभी ले सकते हैं, या कभी पानी कभी जूस कभी दूध, गौनसिया इसमें मिला हुआ है, एक एक ग्राम मतलब एक बड़ा कैप्सूल होता है ना इतना, और 5-10 दिन सबर करें, ठीक है? और मेरा जवाब को आप आखिरी जवाब समझें, ठीक है? अलसी भून कर रख लीजिए, 200-400 ग्राम अलसी भून कर रख लीजिए, और हल्का सा भूनना, बहुत ज़्यादा नहीं कि खाने में आसानी हो जाए। फिर इसको या तो चबा के खा लें एक एक चम्मच सुबह शाम, या पाउडर बना के रख लें तो वैसे खा लिया करें, पानी के साथ, गर्म पानी बेहतर है आपके लिए। तो ये निशान भी जाने चाहिए, और नसों को मैं फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करती हैं तीन चीज़ें। देखिए मैं जो भी चीज़ बताता हूँ वो ऐसे ही नहीं बताता, वो तजर्बे की चीज़ होती है। विटामिन ई और ऐसी चीज़ें जो अखरोट, अलसी या फिश, ये तीन चीज़ें, कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगे वो आप खूब कसरत से खाएं। मैंने आपको अलसी बताई क्योंकि मैं सोचता हूँ मेरे साथ गरीब लोग जुड़े हुए हैं, तो अलसी इसलिए बताता हूँ। अगर कोई ऐसा लगता है कोई रईस है तो अखरोट बताऊँ, और कोई ऐसा लगे कि मांसाहारी है तो मैं कहूँ मछली, इन सब में बेहतरीन है, मछली कसरत से खाएं, ये आपके सब ठीक हो सकता है। सब्र करना, 5-6 महीने इंतज़ार करें, रोज़ाना ज़रा सा फ़ायदा की उम्मीद रखें, और ये निशान भी जाएंगे, काले निशान चले जाते हैं, मेरे तजर्बे में ऐसा आया, इसलिए मैं आपको ही बताया कि वो सब लीजिए और अलसी खाया करिए एक एक चम्मच सुबह शाम, गर्म पानी पिया करें तो बहुत अच्छा। जी ननंद के लिए उन्होंने पूछा है, पैरों में दर्द रहता है जिसकी वजह से सोना। हाँ, माफ़ कीजिए आपकी ननंद को मैं भूल गया था। तो जो नुस्खा आप खा रहे हैं सुरंजान और ये गौनसिया वाला, अपनी ननंद से भी बंटवारा कर लें, या और मंगा के उनको समझा दें, उनको भी इसी तरह लेना है, उनको फायदा मुमकिन है। अगले कॉलर है राजस्थान से गिरिराज यादव जी, स्वागत है आपका। हेलो जी बताइए। हाँ जी सवाल करिए जी। एज 51 है। ठीक है। और वेट मेरा 96 है। ठीक है। बाकी सब कुछ फिट हो रहा है। वजन कम करना चाहते क्या? नहीं, मेरे लग रहा है बिल्कुल घूमने पे, बाकी और सब। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, जब आपका सवाल क्या है? चेहरे पे झुर्रियां है, बिल्कुल पतला सा लगा हुआ है। अच्छा, चेहरे पे झुर्रियां। अच्छा ठीक है।
किनको, आपको या आपकी पत्नी को या पड़ोसन को? वो झुर्रियां में डाला जा रहा है, चेहरा चमकदार। झुर्रियां की बात जी, जी उसी की बात कर रहे हैं कि चेहरे पे झुर्रियां हैं, क्या करें जो चेहरा चमक जाए? देखिए एक नुस्खा है ऐसा, अगर आप ले पाए, एक तो जो आपकी उम्र है ना, हमारी आपकी उम्र वालों को एक कैल्शियम विद मल्टी विटामिन्स गोली या कैप्सूल हर हफ्ते लेना चाहिए, हफ्ते में या 3 दिन में बस। अक्सर डॉक्टर रोज़ाना कई कई गोली खिला देते हैं, वो नुकसान देती है, किडनी में पथरी हो जाती है और हाजमा ख़राब हो जाता है। तो 3 दिन में या 1 हफ्ते में एक कैल्शियम ज़रूर लिया करें विद मल्टी विटामिन्स, जिंक, ये सब उसमें मिला हुआ आता है, सस्ती आती है, एक तो ये लिया करें। दूसरा एक आता है गोंद मोरिंगा सफ़ेद, याद रखें गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम पानी में, या आप रईस आदमी हैं तो नारियल पानी में मिलाकर पी लिया करें, चेहरा आपका कम से कम मेरी तरह तो हो जाना चाहिए और झुर्रियाँ चली जाती हैं। अक्सर आदमी अपनी उम्र से कम उम्र लगता है, मैं बुढ़ा आदमी हूँ और चेहरे पे कोई दाग धब्बा निशान नहीं है, बाल भी इससे उगते हैं, जिन लोगों को बाल की प्रॉब्लम है वो भी ले सकते हैं। और जो कम उम्र बच्चे हैं जिनकी ग्रोथ की नहीं होती, लंबे नहीं होते, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी फायदा मुमकिन है। अगले कॉलर है महाराष्ट्र से अमोल गायकवाड़, स्वागत है आपका। हेलो डॉक्टर साहब जी, आदाब गायकवाड़ साहब। आदाब सर, मैं आपके कंपनी दो दवाई खा रहा हूँ, एक पी केयर मनोन एंड बी केयर मनोन जी। बी केयर के बहुत फायदा हो गया है मुझे, पर बी केयर चेहरे से काले धब्बे नहीं जा रहे। ठीक है ठीक है, क्या क्या आयु है आपकी? 24 उम्र है। अच्छा, ये बी केयर कैप्सूल, आप तो महाराष्ट्र से हैं और मैं महाराष्ट्र से सीखा नारियल पानी पीना, पहले मुझे समझ में नहीं आता था, फिर मेरी एक उम्र तकरीबन 20-25 साल वहाँ गुजरे और वहाँ अजीब सफोकेशन रहता है मौसम में, और मेरे बाल गिरने लगे, चेहरा अजीब सा हो गया समंदर की वजह से, तो फिर मैं वहाँ रोज़ नारियल पानी पीता था और फिर तो मेरा यह हाल हो गया कि मैं नारियल पानी, वहाँ पर लोग नारियल काट के थैली में भर के दे देते हैं, बहुत सारी थैलियाँ ला के फ्रिज में रख देता था। आप भी अगर ऐसा कर सकते हैं, बी केयर नारियल पानी से लें, देखिए एकदम आपको शबाब की आमद होना शुरू हो जाती है और 2-4 महीने लगातार लेंगे तो फ़ायदा मुमकिन है। यूपी से मोहम्मद अनस, स्वागत है आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताइए। वालेकुम सलाम जी अकीम साहब, मेरे क्या नाम लिवर, 19 साल मेरी एज है और मेरे लिवर में थोड़ा सा इन्फेक्शन आया है और लंग्स में थोड़ा सा इन्फेक्शन आया था, उस दिन चेकअप कराया था और नींद मतलब सीने पे भारीपन रहता है और घबराहट होती है और रात में नींद नहीं आती कभी। ठीक है, देखिए कुछ दवाएं खाई हैं आपने एलोपैथिक जिनके असरात आपके पार्ट्स पर, मेन पार्ट्स पर होने लगे हैं। इन्फेक्शन का इलाज तो कर ही रहे होंगे, आप करते रहिए और एलोवेरा का सिरका ले लें, सिरका आता है एलोवेरा का, और रात को 3-4 चम्मच एक गिलास पानी में मिलाकर पी लिया करिए, आपकी नींद की भी परेशानी और इन्फेक्शन की भी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। अगले कॉलर है मध्य प्रदेश से अनंत सिंह हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी जी, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद सर, बताइए क्या सवाल है? मेरे सर घुटनों में दर्द होता है और कम उम्र है मेरी, 60 साल, वजन है कम से कम 80 केजी तकरीबन है जी। और देखिए ये उम्र है दर्द की, दर्द एक हद तक ही सहना चाहिए, आंख से आंसू भी बहना चाहिए और ये दर्द का इलाज भी है और इस उम्र में शायद सबको ज़रूरत पड़ जाती है। 40 के बाद कभी भी ये दर्द बैठ जाता है,
अब बैठ जाता है तो हम 4-5 साल तो इसीलिए निकाल देते हैं कि कभी कोई गोली खा के, कभी कोई गोली खा के गुजारा कर लिया। यही रोग पैदा करता है। अगर 10-15 दिन से ज़्यादा किसी को तकलीफ हो तो फिर यूनानी में आके इलाज करना चाहिए। यूनानी में गोंद स्याह एक ऐसा गोंद है जो काफ़ी फ़ायदा करता है। ये जायके में कड़वा होता है और नकली बहुत मिल जाता है। असली ले लें और आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाना शुरू करें, नाश्ते और खाने के बाद, पानी से, बगैर चर्बी के दूध से या जूस से, जैसे आपके हालात है, सबसे फ़ायदा करेगा। लेकिन याद रखना कि ये 2-4-5 दिन बाद फ़ायदा शुरू करता है। ये दर्द की दवा नहीं है, ये रोग का इलाज है। दर्द हो तो दर्द की दवा आप चाहे तो ले सकते हैं। ये 100 ग्राम भी आपको अगर असली मिल गया तो अपने ख़त्म होने से पहले रोग मुक्ति की सलाहियत रखता है। और 100 ग्राम भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे कि आपका फायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर है यूपी से, प्रेमलता तिवारी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार, बोलिए मैडम। हमको अश्विन साहब से बात करना था। वो हमने 2-3 दिन पहले फोन था, तो डॉक्टर दीपा से बात की थी हमारी, तो उनको हमने बताया थोड़ा वो हमको पेट में बहुत दिक्कत रहती है, होती तो है लेकिन लगता है कि पेट नहीं साफ हुआ है। और मुझे कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, मार्च से हमको शुरू हुआ चक्कर आता है, उसमें ऐसे लगता है कि पूरा बेड कमरा सब घूम रहा है, मेरा पूरा शरीर झंझनाते हुए घूम रहा है, जैसे लेते हैं फिर भी लगता है घूम रहा है। कौन सी दवाई खाई थी आपने? कोई दवा हमने नहीं खाया, ठीक है, अभी ये शुरुआत है। और मैं समझ गया आपकी बात, और आप मेरी बात समझ लें कि देखिए, आपको एक तो सर्वाइकल की शिकायत हो गई। सर्वाइकल कहते हैं एक ऐसे मर्ज को कि हमारे गर्दन के यहाँ पर डिस्क में नसें दबना शुरू हो जाती हैं और उसमें किसी को सर दर्द होता है और किसी को चक्कर आते हैं। ये दोनों सर्वाइकल की निशानियाँ हैं और आदमी बहुत तकलीफ में आ जाता है। और मैंने जिनको भी एक्सरसाइज बताई है, जो आपको बता रहा हूँ, उन सबको फ़ायदा भगवान ने दिया है। तो आप समझ लीजिए मैं कौन सी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, फिर दवा भी बताऊँगा आपके पेट के लिए और सब आपके रोग के लिए। सबसे पहले ये सीख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे सीधा बैठें और ये एक्सरसाइज करें। देखिए, मोंढे, कान को मोंढे के पास ले जाना, मिला देना, नहीं मिले कोई बात नहीं, आप जितना मिला सकते हैं इतना मिलाइए। ऐसे आपको 4 मिनट रोज़ करना है। कितना? 4 मिनट। एक साथ कोई नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, 1-1 मिनट करके 4 मिनट पूरे दिन में करना है। और इसको पूरी तरह यहाँ तक आ जाती है गर्दन, यहीं लाना है और यहीं देखना है, ऐसे रोकना है थोड़ा, ये भी 4 मिनट। और इससे ज़्यादा करें तो आपका ही फायदा है। ये एक्सरसाइज अभी से, आज से शुरू कर दें, ठीक 10-12 दिन बाद आपकी ये चक्कर कहाँ गए आप भी ढूंढते रह जाएंगे, डॉक्टर भी हैरान हो जाएंगे। नहीं तो कोई दिमाग का टेस्ट करा देता है, कोई आँखों का टेस्ट करा देता है, कोई कुछ करा देता है। बहुत तकलीफ होती है, बहुत पैसा खर्च होता है, ये बगैर पैसे का इलाज है। 10-15 दिन मेरे कहने से करें, फ़ायदा हो तो मुझे फिर फ़ोन करके बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा। दूसरा पेट का मसला, आप खुद एक नुस्खा बना सकते हैं। सौंफ, धनिया, मेथी दाना और सूखा हुआ आंवला 200-200 ग्राम लें, यानी 800 ग्राम ये हो गया। और इसमें एक रसायन आता है, कलौंजी का रसायन, जिसे नमक कलौंजी भी कहते हैं, नमक कलौंजी या कलौंजी का रसायन, ये ले लें असली, और 150 ग्राम इसे मिलाकर पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद भी, छोटा चाय का चम्मच, टीस्पून जिसे कहते हैं, भर के खाइए। और पहले दिन से ही आपको आसानी होने लगेगी और ये ख़त्म होते होते आपका ठीक होना मुमकिन है।